आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस को व्यवस्थापक और तैयारियों के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना ही पुलिस प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण तत्परता के से उपलब्ध संसाधनों, जनशक्ति एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए नगर निकाय निर्वाचन 2023 को भयमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर एक चुनाव सेल का गठन पूर्व में ही कर लिया गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में मतदान दिनांक 4 मई को 9 मंडलों जैसे कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी के 37 जनपदों तथा द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11 मई 2023 को 9 मंडलों क्रमशः मेरठ, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, चित्रकूट, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर के 38 जनपदों में संपन्न कराया जाएगा। संपूर्ण प्रदेश में मतगणना एक ही दिन दिनांक 13/5/2023 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। उक्त निर्वाचन आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने हेतु सभी को पहले से अवगत करा दिया गया है तथा इस दौरान कोविड के गाइडलाइनों का भी अनुपालन कराया जाएगा। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में कुल 13,757 मतदान केंद्र तथा कुल 43,263 मतदेय स्थल है, जो कि वर्ष 2017 से 20% अधिक है। नगर निगम चुनाव 2023 में कुल 4,32,29,379 मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जो वर्ष 2017 से लगभग 96,34,000 अधिक है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 में 110 कंपनी पीएसी 49,152 होमगार्ड, लगभग 16,300 निरीक्षक व उप निरीक्षक तथा 92,000 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि दोनों चरणों को मिला के है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ की 70 कंपनी की मांग की गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएगी। इस चुनाव को संपन्न कराए जाने के कुछ कार्रवाइयाँ की गई है, जिसमें मतदान केंद्र एवं मतदान स्थलों का जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से 100% सत्यापन कराया जाएगा। विगत निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन संबंधित घटित हिंसात्मक घटनाओं में नामित या प्रकाश में आए अभियुक्तों एवं आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत चिन्हित अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु अवैध शराब की भट्टियों, अवैध शराब की बिक्री, तस्करी एवं परिवहन तथा अवैध अस्त्रों शस्त्रों के बनाए जाने की फैक्ट्रियां, विस्फोटक पदार्थों के व्यवसाय में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध
प्रभावी अभियान चलाकर नियमित समीक्षा एवं गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इस हेतु प्रतिदिन की रिपोर्ट शासन को तथा माननीय चुनाव आयोग को प्रेषित की जाएगी। लाइसेंसी शस्त्र धारकों और शस्त्रों का सत्यापन व जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर शस्त्रों को जमा कराए जाने की कार्रवाई भी समय से पूर्व कराया जाएगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं वहां नाका और बैरियर लगाकर प्रभावी चेकिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक तथा भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन के दृष्टिगत इस कमेटी प्रबुद्ध जन एवं धर्म गुरुओं की सूची अधावधि कर समय से उनके साथ गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा तथा निर्वाचन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से विधिक निस्तारण भी अमल में लाया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।